नमस्कार दोस्तों, मैं पप्पू सर आपके अपने यूट्यूब चैनल पी एस टी क्लास में स्वागत है। दोस्तों अभी का ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। इस वीडियो में बिहार दरोगा न्यू बहाली की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। विभाग की तरफ से क्या अपडेट निकल के आई है, आखिर बिहार दरोगा की बहाली कब आएगी और कितने पदों पर बिहार दरोगा की बहाली आने वाली है। पिछले वीडियो हम आपको बनाए थे जिसमें आपको बताए थे जो बिहार दरोगा की बहाली सितंबर के लास्ट वीक में आपको देखने को मिल जाएगी। अगर सितंबर में कोई कारणवश नहीं आ पाती है तो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में आपको बिहार दरोगा की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। वही आज पेपर में दिया गया है। आज के पेपर में बिहार दरोगा के बारे में क्या कुछ दिया गया है, सारी जानकारी वन बाय वन करके इस वीडियो में बताने वाले हैं। जो बिहार दरोगा की बहाली कब आएगी और कितने पदों पर बिहार दरोगा की बहाली आ रही है। इससे पहले हमारे चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। दोस्तों वीडियो में बने रहिए, चलिए बिना समय के बाद वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सारी जानकारी वन बाय वन करके इस वीडियो में बता रहे हैं जो बिहार दरोगा की बहाली कब आ रही है और कितने पदों पर बिहार दरोगा की बहाली आ रही है। आप वीडियो में बने रहिए। देख लीजिए दोस्तों, प्रदेश में 1275 दरोगा बहाली की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। बिहार पुलिस में 21,000 सिपाहियों की बहाली के तुरंत बाद दरोगा नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी। पुलिस मुख्यालय के अनुसार 1275 दरोगा की नियुक्ति की जानी है। पुलिस मुख्यालय के स्तर पर रोस्टर क्लियरेंस की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इसके बाद बिहार पुलिस अपर सेवा आयोग के द्वारा विज्ञापन जारी किया जाएगा। रोस्टर क्लियरेंस की प्रक्रिया 4 माह से चल रही है। सूत्रों के अनुसार इसी माह रोस्टर क्लियर होने की उम्मीद है। अक्टूबर माह में विज्ञापन प्रकाशित करते हुए दिसंबर तक परीक्षा के लिए आने की संभावना देख लिए परीक्षा लिए जाने की संभावना जताई जा रही है। बिहार पुलिस के एडीजी मुख्यालय जेएस गंगवार ने बताया कि जल्दी प्रक्रिया की बाधाओं को दूर कर लिया जाएगा। पुलिस सूत्रों के अनुसार दरोगा बहाली को लेकर पहले रोस्टर में दिव्यांगों को आरक्षण का प्रावधान किया गया था, लेकिन पुलिस बहाली में प्रावधान नहीं होने की वजह से रोस्टर को संशोधित करते हुए दिव्यांगों के लिए अलग से स्टेनो एसआई पद का सृजन करने पर विचार किया जा रहा है। तो दोस्तों देख लीजिए, इससे पहले भी हम आपको वीडियो बनाए थे, उसमें भी बताए थे जो बिहार दरोगा की बहाली आपको सितंबर के लास्ट वीक में, अगर सितंबर के लास्ट वीक में नहीं आती है तो आपको अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में देखने को मिल जाएगी। तो जो न्यूज़ हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे वही न्यूज़ निकल के आई है, तो आपको पता हो जाना चाहिए। जो कहीं ना कहीं जो भी हम न्यूज़ देते हैं ऑथेंटिक और सही ही न्यूज़ आपको प्रोवाइड करते हैं, इससे आपको बिलीव हो गया होगा। तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन पर सेट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जैसे ही विभाग की तरफ से कोई भी अपडेट आएगा वीडियो बनाएंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। थैंक यू।